हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेटस एकेडमी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग लगभग 200 फ्रेजल वर्ब जो इम्पोर्टेंट होगा उन्हें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में वो हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब में आगे। सबसे पहले आप लोग वीडियोज़ को कम्प्लीट देखा करिए, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जा रहा है। तो लेसन जो है वो आप पूरा देखा करें, ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना हो, ठीक है, क्योंकि पीटी में हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का होता है मार्क्स 2, ठीक है। तो अगर कुछ भी आपसे मिस हो जाता है तो 2 मार्क्स आपका वहाँ पे गया, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान दे के पढ़िए और यहाँ पे सीखते हैं। चलिए आगे देखिए, पहला क्या है हमारा फ्रेजल वर्ब। पहला फ्रेजल वर्ब है सेटअप। पहला फ्रेजल वर्ब क्या है हमारा? सेटअप मतलब होता है सजाना या फिर व्यवस्थित करना। देखिए आपके साथ साथ में सारा चीज़ लिखा हुआ है। सेटअप यानी कि टू अरेंज मतलब व्यवस्थित करना या फिर सजाना, ठीक है। इसे एग्जांपल में हम कैसे समझते हैं? माय वाइफ सेटअप द लिविंग रूम एग्जैक्टली द वे सी वांटेड इट। मेरी वाइफ जो है लिविंग रूम रूम को इस तरह से सजाया जैसा कि वह चाहती थी, ठीक है। माय वाइफ सेटअप, यहाँ देखिए सेटअप का यूज हुआ है, द लिविंग रूम एग्जैक्टली द वे सी वांटेड इट। सेटअप मीन्स कि सजाना या फिर व्यवस्थित करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेक आउट, मेक आउट मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड, ठीक है। मेक आउट यानी कि समझना, अंडरस्टैंड। ही वॉज सो फार अवे वी रियली कुड नॉट मेक आउट व्हाट ही वॉज सेइंग। वह हमसे इतना दूर था कि हम लोग उसे समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहा था, ठीक है। देखिए ही वॉज सो फार अवे, वह हम लोगों से दूर था। वी रियली कुड नॉट मेक आउट, मेक आउट मतलब समझना, व्हाट ही वॉज सेइंग मतलब कि वह क्या कह रहा था हम लोग समझ नहीं पाए, वो इतना दूर था, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग दूर होते हैं किसी के, तो वो कोई क्या बोलता है हम लोग सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उनकी बातों का, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग इस सेंटेंस में समझ रहे हैं, मेक आउट मतलब कि समझना, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लो अप, ब्लो अप मतलब होता है एक्सप्लोड मतलब कि विस्फोट करना या फिर किसी चीज़ को उड़ा देना, ठीक है। द टेररिस्ट ट्राई टू ब्लो अप द रेल रोड स्टेशन। टेररिस्ट जो आतंकवादी हैं वो रेल रोड स्टेशन को जो है उड़ा देना चाहते थे, उसमें विस्फोट कर देना चाहते थे, ठीक है। तो ब्लो अप मतलब हो गया आपका एक्सप्लोज यानी कि विस्फोट, ठीक है। द टेररिस्ट ट्राई टू ब्लो अप द रेल रोड स्टेशन यानी कि विस्फोट करने की कोशिश की आतंकवादियों ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डू ओवर यानी कि रिपीट अ जॉब मतलब कि किसी भी एक चीज को जो दोहराना, ठीक है। डू ओवर मतलब कि रिपीट अ जॉब, दोहराना। तो देखिए डू दिस होमवर्क ओवर, इस होमवर्क मतलब कि होमवर्क मतलब हिंदी क्या हो गया? गृह कार्य। तो इस गृह कार्य को दोबारा करें आप, ठीक है। जैसे हम भी आपको बोलते हैं कि आप रिवीजन करें, मतलब कि एक चीज को पढ़ लें और फिर उसका रिवीजन करें, तो आपको दोबारा काम हो गया करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या हो गया हमारा? डू ओवर मतलब कि रिपीट अ जॉब यानी कि दोबारा करना किसी भी काम को, डू ओवर रिपीट अ जॉब। चलिए आगे देखते हैं। कॉल ऑफ यानी कि कैंसिल, रद्द करना। कॉल ऑफ मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल, ठीक है। दे कॉल ऑफ दिस आफ्टरनून्स मीटिंग मतलब कि उन लोगों ने दोपहर के मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है, यानी कि रद्द कर दिया। कॉल ऑफ मतलब कि रद्द करना, पोस्टपोन करना, कैंसिल करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गिव बैक मतलब कि एक चीज को जो है, एक सामान को जो है वापस लौटाना, ठीक है। गिव बैक, टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट मतलब कि किसी भी चीज को वापस लौटाना। माय ब्रदर, सॉरी यहाँ पे ब्रदर जो है मिस हो गया, ठीक है। माय ब्रदर बोरोड माय कार, मेरे भाई ने जो है मुझसे एक कार लिया। आई हैव अ फीलिंग ही इज नॉट अबाउट टू गिव इट बैक, मेरे पास एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अब वो जो है मुझे वापस नहीं मिलने वाला है। मीन्स कि मेरा भाई जो है हमसे कार लिया हमसे, और वो जो है अब इसे वापस नहीं लौटाएगा, मेरा यह फीलिंग है, ठीक है। तो ये होता भी है कभी कभी, जो उनको अच्छा लग जाता है तो भैया दे दो, और फिर वो आप वापस आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आपका गिव बैक यानी कि टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट यानी कि वापस लौटाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हैंड इन, हैंड इन इन सॉरी हैंड इन मतलब होता है सौंपना, सबमिट समथिंग। जैसे हम लोग असाइनमेंट सबमिट करते हैं, या फिर एग्जाम जब हॉल में होते हैं तो जब हमारा घंटी बज जाता है फाइनल, तो हम अपना पेपर सौंप देते हैं अपने जो होते हैं वहाँ पे इन्विजिलेटर उनको, ठीक है। तो हैंड इन मतलब हो गया सौंपना, सबमिट समथिंग जैसे कि असाइनमेंट। द स्टूडेंट्स हैंडेड इन देयर पेपर्स एंड लेफ्ट द रूम, जैसे स्टूडेंट जो है अपना पेपर जब समाप्त हुआ तो रूम को छोड़ गए और जो पेपर है वो हैंडेड इन कर गए, मीन्स कि
अपने टीचर को सौंप गए, ठीक है। तो हैंड इन मतलब कि सौंप देना, सबमिट समथिंग जैसे कि असाइनमेंट। चलिए आगे देखते हैं, पुट अवे टू सेव और स्टोर, मतलब कि किसी भी चीज़ को संरक्षण करना या फिर बचाना, ठीक है, संरक्षण करना या फिर सेव करना बचाना। वी पुट अवे मनी फॉर आवर रिटायरमेंट, यहाँ देखिए पुट अवे यूज हुआ है। अब कैसे इसका हिंदी हुआ, वी पुट अवे मनी फॉर आवर रिटायरमेंट, मतलब कि हमें अपने पैसों को जो है रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखना चाहिए, संरक्षण उनका करना चाहिए। जैसे हम लोग का आदत है उड़ाते चलते हैं, उड़ाते चलते हैं, ठीक है, लेकिन जो है ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वी पुट अवे मनी फॉर आवर रिटायरमेंट, यानी कि हमें अपने पैसों को बचा कर रखना चाहिए, उन्हें संरक्षित करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ट्राई आउट मतलब होता है टेस्ट, यानी कि जाँचना, ट्राई आउट यानी कि टेस्ट या फिर जाँचना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज करना है। आई ट्राइड आउट आवर कार्स बिफोर आई कुड फाइंड वन डैट प्लीज्ड मी। देखिए कल हम लोग प्लीज्ड वर्ड पढ़े थे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मनोहर, बहुत ही अच्छा लगना, ठीक है, सुहावना लगना, बहुत ही अच्छा लगना। तो आई ट्राइड आउट, मैंने जाँचा चार गाड़ियों को, मतलब कि चार जो हैं कार्स को उन्होंने पहले जाँचा परखा कौन सा उन्हें सुहावना लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो लेने से पहले आप भी कोई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा हमें अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, वही वो आपका ट्राई आउट मतलब कि जांचना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गो थ्रू मतलब कि, देखिए आगे क्या है, गो थ्रू मतलब होता है प्रयोग करना, क्या होता है, प्रयोग करना। यूज अप कंज्यूम, ठीक है। डिड ही गो थ्रू ऑल हिज मनी ऑलरेडी, क्या उसने पहले ही अपना सारा पैसा का खर्च कर लिया है, उसे प्रयोग कर लिया है, ठीक है। गो थ्रू मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे यूज अप प्रयोग करना, कंज्यूम, गो थ्रू मतलब कि अपने पैसों को जो है उसने पूरा ऑलरेडी जो पहले ही अपना कर लिया है उपयोग, तो ये हुआ आपका गो थ्रू मतलब कि यूज अप या फिर कंज्यूम प्रयोग करना। चलिए आगे देखते हैं, वेट ऑन मतलब होता है सेवा करना, सर्व करना, ठीक है। इट सीम्ड स्ट्रेंज टू सी माई ओल्ड बॉस वेट ऑन टेबल्स, देखिए यहाँ पे वेट ऑन, ये बहुत ही विचित्र लगा मुझे देखकर कि जो मेरे पुराने बॉस हैं, जो मेरे पुराने सर थे, वो टेबल पर सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट ऑन, जो मेरे पुराने बॉस हैं वे वेट ऑन टेबल्स, यानी कि पुराने जो मेरे बॉस हैं वो टेबल पर सर्व कर रहे हैं या फिर सेवा कर रहे हैं, ऐसा देखकर मुझे बहुत ही विचित्र लगा, ठीक है। तो वेट ऑन यानी कि सेवा करना या फिर सर्व, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रन इनटू यानी कि मिलना, रन इनटू यानी कि मिलना, ठीक है। यहाँ देखिए, सोहन रन इनटू हिज ओल्ड फ्रेंड्स इन द हॉलवे, देखिए सोहन जो है अपने पुराने दोस्तों से हॉलवे में मिला, रन इनटू मतलब क्या हो गया, मिलना। सोहन जो है रन इनटू हिज ओल्ड फ्रेंड्स, सोहन जो अपने पुराने दोस्तों से मिला इन हॉलवे, ठीक है। तो रन इनटू यानी कि मिलना, मीट। चलिए आगे देखते हैं, चेकअप, चेकअप ऑन, चेकअप ऑन मतलब होता है एग्जामिन, जांचना, ठीक है। चेकअप ऑन यानी कि एग्जामिन या फिर जांचना, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सेंटेंस में यूज करना है, द बॉयज प्रॉमिस टू चेक अप ऑन, देखिए यहाँ पे चेक अप ऑन जो है मतलब कि जांचना, द बॉयज प्रॉमिस टू चेक अप ऑन द कंडीशन ऑफ द हाउस टाइम टू टाइम, ठीक है, यहाँ पे टाइम टू टाइम है, द बॉयज प्रॉमिस टू चेक अप ऑन द कंडीशन ऑफ द हाउस टाइम टू टाइम, मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया कि वे समय समय पर घर की जांच करते रहेंगे, उसके बारे में हालचाल देखते रहेंगे उसका, ठीक है। तो चेक अप ऑन यानी कि जांच करना, हालचाल जो है देखते रहना कि क्या है स्थिति अभी का, द बॉयज प्रॉमिस टू चेक अप ऑन द कंडीशन ऑफ द हाउस टाइम टू टाइम। चलिए देखते हैं आगे, गेट रीड ऑफ मतलब कि एलिमिनेट, छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ यानी कि एलिमिनेट, छुटकारा पाना, ठीक है। देखिए, द सिटीजन्स ट्राइड टू गेट रीड ऑफ देयर करप्ट पॉलिटिशियन इन द रिसेंट इलेक्शंस, देखिए यहाँ पे गेट रीड ऑफ मतलब जो नागरिक हैं वे अपने करप्ट यानी कि भ्रष्ट नेता से छुटकारा पाने की कोशिश की, कैसे कोशिश करेंगे, उन्हें वोट ना देकर, ठीक है। द सिटीजन्स ट्राई टू गेट रीड ऑफ देयर करप्ट पॉलिटिशियन इन द रिसेंट इलेक्शन, जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं, चुनाव हुए हैं, उसमें जो नागरिक हैं वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे करप्ट पॉलिटिशियन से, ठीक है। तो गेट रीड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना, ठीक है, गेट रीड ऑफ यानी कि एलिमिनेट, छुटकारा पाना। चलिए आगे देखते हैं, थिंक बैक ऑन यानी कि रिकॉल करना, थिंक बैक ऑन यानी कि रिकॉल, याद करना, जैसे
आई ऑफन थिंक बैक ऑन माई चाइल्डहुड विथ ग्रेट प्लेजर, मैं जो है अक्सर अपने बचपन की बातों को याद करता हूँ बहुत ही अच्छे में, अच्छे मतलब कि आनंद लेकर, ठीक है, विथ ग्रेट प्लेजर यानी कि आनंदित होकर जो है मैं अपने बचपन की बातों को याद करता हूँ। तो थिंक बैक ऑन यानी कि याद करना, रिकॉल करना, ठीक है, थिंक बैक ऑन यानी कि रिकॉल याद करना। आई ऑफन थिंक बैक ऑन माई चाइल्डहुड विद ग्रेट प्लेजर, ठीक है। तो ये है आज का इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। तो आई होप कि आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो और होगा ही, क्योंकि एग्जाम्स में जो है इस तरह के जो है फ्रेजल वर्ब्स आते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है हर एक फ्रेजल वर्ब को, और ये 10 दिन में आपको कम्प्लीट करा देंगे, लगभग से इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो आपको 10 दिन में कम्प्लीट हम करा देंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम तक जो है रिविज़न कर लें अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है सबसे पहले वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, ताकि और लोग जो है हमारे साथ जुड़ें, सीखें, जानें, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लासेस में, थैंक यू।